एक दूजे के वास्ते। इस घर से जाते वक्त आप कोई सामान नहीं ले जाएंगे, इसीलिए हमेशा तुझे वॉर्न करती थी सुमन, एक दिन ऐसा ही कुछ होगा, हमेशा से डर था मुझे। देखा एंड में धोखा ही दिया ना उसने तुझे। सुमन उसके पापा हमारे घर को, और वो चुपचाप खड़ा रहा, रोक सकता था ना वो अपने पापा को, कुछ तो कर सकता था, पर नहीं सुमन, बस खड़ा रहो चुपचाप। और अब भी इतना सब होने के बाद भी तुझे उम्मीद है उससे? जब लाइफ में कोई भी मुश्किल आती है ना कंचा, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर पापा होते तो क्या कहते, और आज उनकी एक बात ना मुझे बहुत याद आ रही है। सुमन तो अंधेरा जब गहरा होता है ना, तब तारे ज्यादा चमकते हैं, दिखते हैं हमें, बस हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ना तारों से ना अपनों से। तारे हमें अंधेरे में रास्ता दिखाते, और अपने वो तो हमें उस अंधेरे से ही निकाल देते। सुमन कंचा, मुझे कल वाकई में बुरा लगा था जब श्रवण चुप रहा, पर प्यार तो हम दोनों ने एक दूसरे से किया है ना, अगर उसकी मजबूरी नहीं समझी तो कैसा प्यार, अगर उस पे भरोसा नहीं किया तो किस बात का प्यार। नहीं, जो उम्मीद है ना मुझे उससे, उसे नहीं छोड़ सकती मैं, वही उम्मीद तो मुझे लड़ने की हिम्मत देती है। और जब यही उम्मीद टूटती है ना सुमन, तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी यही देती है, और उम्मीद टूटने से ज्यादा मुश्किल है अपनों को दुखी देखना। इसी बात की तो उम्मीद है मुझे श्रवण से, कि वो किसी भी अपने को दुखी नहीं देखेगा। ये लीजिए भाई साहब आपका टोकन मनी। रमेश, आप मुझे रमेश जी कह सकते हैं, भाई साहब वाला रिश्ता तो हम लोगों का रहा नहीं। आप तो नाराज हो गए रमेश जी, और ये रहे घर के पेपर, मैं पेपर्स पढ़कर साइन कर दूंगा। अब इसमें पढ़ना क्या है जी, आप लीजिए साइन कर दीजिए। यस तिवारी हाउस जी, और मुझे इस घर के ऑनर से मिलना था। पापा आपसे कोई मिलने आया है? आप ही रमेश तिवारी हैं? जी मैं ही रमेश तिवारी हूँ, इस घर का ऑनर। क्या काम है आपको? हेलो सर। हेलो, मेरा नाम हरीश खंडूजा है, मैं मित्तल रियल एस्टेट से आया हूँ। हमारे बॉस को ये खबर मिली है कि आपकी ये प्रॉपर्टी सेल के लिए है। हमने अभी अभी इस घर का टोकन अमाउंट दिया है, तो ये घर हमारा हुआ। माफ कीजिए, रमेश जी के सिग्नेचर भी बाकी हैं, अभी आपकी डील पूरी हुई नहीं है। मैं मित्तल रियल एस्टेट की तरफ से आपके घर को खरीदने आया हूँ, और ये चेक आपके तिवारी हाउस के लिए मार्केट से 60% ज्यादा दे रहा हूँ, ये लीजिए। ओके डन, थैंक यू सर। ये क्या कर रहे हैं रमेश जी, उसूल नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? देखिए मिस्टर, ये तो धंधे की बात है, इसमें सही गलत कैसे हो गया, और अभी तो आपकी डील पूरी भी नहीं हुई है, और मुझे भी आप बिजनेसमैन नजर आते हैं, तो बिजनेस क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा रमेश जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू खंडूजा। आप ये कैसे कर सकते हैं, जब आपने हमसे घर की डील की है तो ऐन मौके पर किसी और को घर कैसे दे सकते हैं? और भाभी जी आप एक मिनट, उसूलों की और सही गलत की बात तो आप कीजिए ही मत। जब आप ज्यादा पैसे दे रहे थे तो अपनी शर्तें मनवा रहे थे ना, और जब अब इनसे हमें ज्यादा पैसे मिल गए तो डील हो गई। और हाँ, शायद आपको देर हो रही है। नमस्कार। नमस्कार। अच्छी खासी बेइज्जती करके हमारा अमाउंट लौटा दिया भाई साहब, और उनको तो बड़ी अच्छी डील मिल गई मार्केट से 60% ज्यादा, तो हमारा चेक तो लौटाना ही था उन्हें। सारा खेल खराब कर दिया। तू पता कर इस घर पे इतने पैसे लगा कौन रहा है? कोई मित्तल रियल एस्टेट करके, और मुझे तो कोई फॉरेन की पार्टी लग रही है। नहीं, ये डील इतनी सीधी वाली नहीं हुई है, कहीं कोई गड़बड़ जरूर हुई है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है।
तू पता कर राजेंद्र, हमारे हाथ में आई हुई डील निकली कैसे? पापा मेरी यूनिट का कुछ काम खत्म करना है मुझे, मैं अभी आता हूं। आज तुम तीनों ने जो किया ना मेरे लिए, बंटी बसी सौरभ, थैंक यू सो मच यार। मैं अकेले इतने पैसों का इंतजाम कभी नहीं कर पाता। सुमन की वो हालत देखकर तो ओए सनकी यारा, तेरे मेरे बीच, हम यारों के बीच में ये कमबैक थैंक यू कहां से आ गया? और मुझे जरूरत होती तो मैं भी हक से मांगता ना। हमारे कैप्टन साहब को किसी चीज की जरूरत हो और हम पीछे हट जाएं? ऐसे कैसे सर, सर जूनियर हूँ, दिल का छोटा नहीं हूँ। ये देखो जूनियर है लड़का, ये बात हर बात में घुसा ही देता है ये। पहले मेरा एक यार था पर अब मेरे तीन तीन यार है। मैं ना बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले। और हाँ, मैं तुम सब के पैसे ना बहुत जल्दी वापस। हमारे श्रवण मिया भाई खाते लेके बैठ के डिस्कस करने का प्रोग्राम बना रही हो क्या? अरे छोड़ो ना, देख लेंगे जो भी होगा वो बाद में है? देखा मैंने बंटी, कैसे तूने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी सेविंग्स मुझे तो दे दी है। तुम्हारे साथ रहते रहते ना हम भी जैसे सीख गए हैं कि प्यार और दोस्ती के ऊपर कुछ भी नहीं। जैसे तुम तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ कर रही हो ना, वैसे हम भी हमारे दोस्ती के लिए सब कुछ कर रही है। वैसे बंटी मियां तुम भी कमाल के दोस्त हो। कमाल का तो पता नहीं बस्सी मियां, पर हम पता है कौन है? हम है हीरो के फ्रेंड। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक तरफ हीरो की लव स्टोरी चल रही है पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और फिर हीरो का फ्रेंड आता है और दोनों को मिलवा देता है। बस वही कैरेक्टर प्ले कर रही है। हीरो तो तू है। नहीं नहीं मियां, हम फ्रेंड ही ठीक है। याद है ना कि भूल गए, बचपन में भी ऐसे ही तुम्हारे प्यार की लव स्टोरी में हमने फ्रेंड का रोल प्ले किया था और आज भी हम वही कर रही है और आगे भी हम यही करते आने वाली है, देख लिए ना। ओए श्रवण, अपने आंसू पोंछ और सुमन के बारे में सोच, अब आगे क्या करना है यारा? श्रवण आराम से। दो दिलों के प्यार की है ये दास्ता, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, ठीक हो? श्रवण इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, मैसेज कर देते ना। अच्छा मैसेज तो कर देता पर मैसेज में मैं ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा नहीं देख पाता ना। हाँ ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम्हारी खुशी, तिवारी हाउस जिसे कि मैंने अब खरीद लिया। अब तिवारी हाउस सिर्फ और सिर्फ कैप्टन सुमन विजय तिवारी का है। इसे मैंने तुम्हारे नाम पे खरीदा सुमन। अब ये घर सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हें यहां से जाने के लिए कभी कोई नहीं कहेगा। इस घर से जुड़ी यादें सब
सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी ड्राइंग बुक्स, तुम्हारी प्ले की बुक्स, सब कुछ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सुनो श्रवण, ये सब तुम कैसे? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, अपने लिए, हमारे लिए। कल मैं कुछ बोल तो नहीं पाया था, पर मैं तुम्हें कभी ऐसे हेल्पलेस नहीं देख सकता सुमन, कभी भी नहीं। और हाँ, तुम ये बात कभी किसी को मत बताना। किसी को नहीं, पर क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ? कुछ भी। कल जब तुम चुप खड़े थे ना, तो बुरा लगा था मुझे, पर तुम्हारा वहां साथ होना ही मुझे उम्मीद दे रहा था। अब मैं एक बात कहूं, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है जब मैंने वीर के साथ प्लानिंग की थी तुम्हें नीचे बुलाने के लिए? तब मैं तुम्हें ये देना चाहता था, मैं तुम्हें बिन कहे बताना चाहता था सुमन के, कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। सिर्फ आज नहीं, हमेशा से। मैंने आर्मी तुम्हारे लिए ज्वाइन की थी सुमन। सुमन, जब मुझे आर्मी में पहला मेडल मिला ना, तो मैं इसे सबसे पहले तुम्हें देना चाहता था। तुम्हारी सगाई के दिन मैं अपने पापा की जैसे कुछ बोल तो नहीं पाया सुमन, पर क्या तुम मुझे प्लीज उसके लिए माफ कर सकती हो? आई नो तुम उस वक्त बहुत अकेली हो गई थी। उस वक्त मुझे लगा था कि अब हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर है ही नहीं, हम दोनों अब कभी भी ना लाइफ। पर तुम्हारी आंखों में उम्मीद देख के ना सुन, मुझ में भी एक उम्मीद जाग गई थी कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हमारे बीच में आए। इसमें एक बार मेरे रोल मॉडल ने मुझसे कहा था कि जिंदगी में कभी कुछ भी हो जाए, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ना हमें लड़ने की हिम्मत देती। मैंने भी सुना। श्रवण, अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारे बिना तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। सुमन, सबसे पहले हमें हमारी फैमिलीज को मनाना है। हाँ, और इस बार हम बचपन वाली गलती नहीं करेंगे। लोगों से भागने की जगह उन्हें अपने प्यार से जीतेंगे। मुझे जाना हुआ, पर जल्दी मिलूंगा। चलो मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, वो मैं घर पे लगा। Oh.
शिकवों का शोर है दो ना, ऐसे बैठा लगता है। श्रवण, तुम्हारा साथ, ये वक्त, जितना सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, उतना ही डर भी लग रहा है। कैसा डर? कहीं फिर से सब कुछ खो ना जाए। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम सबको मना लेंगे। तुम्हें अपनी कमांड में वापस कब लौटना है? 2 दिन बाद। तो अगर पीछे से सब कुछ बिगड़ गया और तुम काम की वजह से वापस नहीं आ पाए तो? वो चाहे मुझे दुनिया के किसी भी कोने में भेज दे, बट आई प्रॉमिस कि मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। अपनी सुनू के पास जरूर वापस आऊंगा। ये हमेशा वाला प्यार है। हमेशा वाला? हाँ, अब देखो ना, हम लड़े, झगड़े, पिछड़े, फिर दोबारा मिले, नफरत हुई, लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी प्यार है ना हमारे बीच। हमेशा वाला प्यार। एक सेकेंड ना। बोलो मिया। हाँ बंटी, अभी कभी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जा और जाके पता कर कि सबसे पहले कब आ सकते हैं। मैं शादी कर रहा हूं। किससे? अबे गधे, और किससे? सुमन से। अभी तो सुमन से भी पूछे हो ना कि खुदी? हाँ यार, पूछ के। पूछा ना मैंने। सही है, कभी भी शादी तोड़वा देता है, कभी भी शादी कर लेता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.